बेसिकली वेदर ऐप बनाई थी और यूज़ इफेक्ट हमने एक्चुअल में पढ़ा था लास्ट क्लास में। अच्छा, आज हम एक इससे पहले वाली जो क्लासेस थी उसमें हम क्या कर रहे थे, इंडेक्स डॉट जे एस में सारा काम कर रहे थे एक ही फाइल के अंदर ना। आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक नई ऐप बनाते हैं और जो स्टॉक ऐप है उसके अंदर जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हुई हुई है उसी को इस्तेमाल करते हैं जब हम काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रिएक्ट के इस फोल्डर में आ जाता हूँ और यहाँ पर टर्मिनल खोल के ना, सही है जी, मैं इस वक्त कौन से फोल्डर में आ गया हूँ, 3 रिएक्ट, यानी कि इस फोल्डर में आ गया हूँ। अब इस फोल्डर में खड़ा होकर जब मैं नई ऐप क्रिएट करूँगा रिएक्ट की, तो वो ऑटोमेटिकली 1, 2, 3 जो ये है इसी के साथ एक फोल्डर बनकर आ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे npx create-react-app और उसके बाद मैं बोल देता हूँ इसको चैट ऐप, क्योंकि आज हम एक चैट ऐप बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो चैट ऐप होगी ये दो यूज़र आपस में बात नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप सिर्फ मैसेज भेज रहे होंगे और आगे से कंप्यूटर आपको जवाब दे रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये चैट ऐप यहाँ पे बनना शुरू हो गई है, इसको हम नाम दे देंगे 4, 1, 2, 3 लिखा हुआ, ये 4 हो जाएगा। ठीक है जी, ये बन के तैयार हो गई है। तो लास्ट में इन्होंने ऐसे हैप्पी हैकिंग लिख के बताया है, तो इसका मतलब है ये ऐप बन के तैयार हो चुकी है। अच्छा, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ फोल्डर का, मैं कहता हूँ 4 डॉट और चैट ऐप। अच्छा, और मैं अब cd करके 4 वाले फोल्डर में चला जाता हूँ और इसको npm स्टार्ट कर देता हूँ ताकि ये ऐप चलना शुरू हो जाए। और ये ऐप यहाँ पर चल के सामने आ चुकी है हमारे। ठीक है, तो ये जो स्टॉक जो ऐप बन के आती है हमारे पास रिएक्ट की, उसमें कुछ इस तरह का पहले से इन्होंने बनाया हुआ होता है। अब हम ज़रा इसकी ऑर्गेनाइजेशन को एक दफ़ा देख लेते हैं कि स्टॉक ऐप में क्या चल रहा होता है। एक तो रीडमी की फ़ाइल है, ये आपको पता है एक सिंपल सी मार्कडाउन फाइल होती है, डॉक्यूमेंट्स के लिए आमतौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये वो फाइल है जो गिटहब की रिपॉजिटरी में आपको डिस्प्ले होकर नज़र आ रही होती है। पैकेज डॉट जेएसन में तमाम डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट वगैरह होती है, ये पहले से इन्होंने लिख कर दिया भाई, ये सारा बॉयलर प्लेट है, पहले हम ये खुद से लिखते थे जब सर्वर सीखा था हमने। अच्छा, उसके बाद हमारे पास गिट इग्नोर की फाइल है, इसमें उन फाइलों का हम नाम लिख देते हैं जो गिटहब में हमें नहीं भेजना है, सही है, ये रिवाइज़ कर लेते हैं ज़रा जल्दी से हम। उसके बाद SRC है हमारे पास, अब SRC को अभी 2 मिनट छोड़ देते हैं। एक नॉट मॉड्यूल है, नॉट मॉड्यूल में क्या होता है, जितनी भी लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ पर आके सेव होती है। अच्छा, अब SRC के अंदर चलते हैं। SRC में जो इसकी एंट्री फाइल जो है वो index.js है, जहाँ से ये एंट्री होती है इसकी, जहाँ से ऐप स्टार्ट होती है। अच्छा, तो हम क्या करते थे, हम इसमें से सब कुछ डिलीट कर देते थे, राइट, और डिलीट करके हम यहाँ पे अपना कोड लिख दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मैं स्टॉक में ज़रा उस पर नज़र कर लेते हैं। यहाँ पर एक कंपोनेंट रेंडर हुआ है जिसका नाम क्या है, ऐप नाम है जिसका। अब ये ऐप आया कहाँ से, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आप देखें ये मुझे बता रहा है कि ये इम्पोर्ट यहाँ से हुआ है। देखो, इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये दोनों नाम सेम है, ये कह रहा है कि इम्पोर्ट हुआ है ये ऐप का कंपोनेंट कहाँ से। डॉट स्लैश का मतलब होता है इसी फोल्डर में स्लैश ऐप के नाम से कोई फाइल है, वहाँ से ये इम्पोर्ट होके आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल पकड़ के क्लिक करूँगा ना, तो कंट्रोल पकड़ के क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस फाइल के अंदर ले जाता है, सही है। जैसे ही मैंने कंट्रोल पकड़ के क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर एक फाइल ओपन हो गई है जिसका नाम app.js है, और वो यहाँ पर देखें आप इसी फोल्डर में, ये इंडेक्स खुला हुआ था ना पहले, अभी मैं इसे app.js के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ दोबारा, इसके ऊपर मैं कंट्रोल पकड़ के क्लिक करूँगा तो मुझे ये वहाँ लेकर चला जाएगा जहाँ से इम्पोर्ट हुई है, समझ रहे हो। ये एक तरीका भी है, अगर आपका इम्पोर्ट गलत हो गया तो आप कंट्रोल क्लिक करें, अगर वहाँ जा रहा है तो इसका मतलब है इम्पोर्ट सही है। वेल, अब ये मेरे ऐप का कंपोनेंट है। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, इसमें देखो एक डिव बना हुआ है। अच्छा, साथ में कुछ CSS की फाइल भी इंपोर्ट हुई हुई है, कुछ क्लास नेम वगैरह लगा हुआ है इन डिव पे, सही है। एंकर टैग बना हुआ है, एक लर्न रिएक्ट जो स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है वो असल में यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एक्चुअल में, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लर्न रिएक्ट, ये यहाँ पे इन्होंने एक्चुअल में लिखा हुआ है। अच्छा, तो अगर मैं इसको हटा दूँ
ये सारा कुछ अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो वो हट जाएगा वहाँ से, यहाँ से भी गायब हो गया। यहाँ पे अगर मैं कुछ और लिख दूँ, हेलो वर्ल्ड लिख दूँ, तो वो यहाँ लिखा हुआ जाएगा, समझ रहे हो। ये ब्लैक कलर किसकी वजह से है, ये इन्होंने क्लास नेम लगाई हुई इसकी वजह से। अगर मैं क्लास नेम हटा दूँ ये दोनों के दोनों, ठीक है, तो क्या होगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा और ये वाइट स्क्रीन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, इंडेक्स डॉट जे एस में इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने ऐप डॉट जे एस के अंदर काम किया हुआ सारा का सारा, ठीक हो गया। ये समझ आया सबको कि कैसे हुआ हुआ है। तो जो प्रॉपर तरीका है ना इसमें काम करने का वो यही है कि हम इंडेक्स डॉट जे एस में कोई कोड नहीं लिखते, वो वैसे ही रहता है, क्योंकि इंडेक्स डॉट जे एस में करने वाली और चीज़ें जो हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ है। ऐप डॉट जे एस में भी हम कोई कोड नहीं लिख रहे होते इतना कोई ख़ास, सही है, इतना कोई बहुत ज़्यादा कोड हम यहाँ पे भी नहीं लिख रहे होते। अच्छा, यहाँ पे आमतौर पे क्या होता है, यहाँ पे आमतौर पे आपके कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हुए होते हैं। अब हम चूँकि एक चैट ऐप बनाने जा रहे हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा पेजेस हो सकते हैं, उसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे, जाहिर है जो चैट की स्क्रीन है उसमें नीचे वाला बॉक्स हो सकता है अलग कंपोनेंट हो। तो जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको हम बोलते हैं कि यार SRC में आप जाओ, एक फोल्डर बना लो कंपोनेंट्स के नाम से, COMPONENT, ठीक है, कंपोनेंट्स के नाम से एक फोल्डर बना लो, और यहाँ पे हम अपना फोल्डर जो बनाते हैं ना इसमें सारे कंपोनेंट को बना रहे होते हैं और app.js में उसको रिक्वायर करके यहाँ पे रेंडर करवा रहे होते हैं जस्ट। तो ये होता है प्रॉपर तरीका। तो हम जल्दी से काम करते हैं, ये काम करके देख लेते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आता हूँ इधर, कंपोनेंट दो बना देता हूँ, एक मैं बना देता हूँ लॉगिन, एक साइनअप और एक मेन पेज होम पेज, ठीक है, लॉगिन साइनअप होम, तीन पेज बना देता हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे आके एक फ़ाइल प्लस की, और फाइल प्लस करके मैं क्या बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा लॉगिन डॉट जे एस एक्स, सही है, जे एस एक्स इसलिए ताकि मुझे सजेशन मिले। अच्छा, इसी तरह लॉगिन जे एस एक्स के साथ साथ मैं क्या करूँगा, साइनअप डॉट जे एस एक्स और होम डॉट जे एस एक्स, ये तीन फाइल मैंने बना दी। अब ये तीनों फाइल मैंने बना दी, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लॉगिन पे जाऊँगा और एक अदद मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट बनाऊँगा, क्योंकि रिएक्ट की ऐप के अंदर अगर तीन या चार पेजेस हैं तो हर पेज भी एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कंपोनेंट बनाऊँगा, तो मैंने कहा कॉन्स्ट क्या होम था ना, लॉगिन, लॉगिन कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, एक फंक्शन होता है सिंपल, ठीक है, कंपोनेंट क्या होता है, एक सिंपल सा फंक्शन होता है, और उसको कंपोनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा होता है JSX, ठीक है। तो हमारे केस में हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं इससे, मैंने कहा कि लॉगिन पेज, बस मैंने ये लॉगिन पेज इतना लिख दिया, अभी पूरा पेज हम बाद में जब बनाएंगे तो देख लेंगे, सही है। अच्छा, एक चीज़ और भी आप लोग अक्सर एरर फेस किया होगा कि वो कहता है एक पेरेंट होना चाहिए, एक पेरेंट, अगर जैसे अगर मैं दो डिव बना दूँ, सही है, तो ये एरर देता है ना। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप डिव नहीं बनाना चाह रहे तो एक फ्रैगमेंट का एक ऑप्शन होता है आपके पास ना, ये भी आप कर सकते हैं, ये एक्चुअली खाली टैग है, ये आप, ये ऐसा टैग है इसके बीच में कुछ लिखा हुआ होता है ना ऐसे, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये बंद भी इसी तरह होता है, ये डिव के ही इक्वेलेंट होता है, तो इसको भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसको कहते हैं फ्रैगमेंट, ठीक है। तो ये भी मैंने एक एग्जांपल, मैंने कहा चलो आपको पता चल जाए। अच्छा, इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं कि डिव बना दें, तो वो भी एक ही बात है, लेकिन ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास लॉगिन। अब ये लॉगिन का कंपोनेंट बन तो गया, अब ये दूसरे फाइल में जाएगा कैसे, यहाँ से एक्सपोर्ट कराएंगे पहले तो, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट कराएंगे तो वो पता कैसे चलेगा, जाते हैं ज़रा इंडेक्स वाले पेज में, यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्ट किया हुआ है ना, ऐसे इम्पोर्ट करवाएंगे हम कहाँ पे, ऐप डॉट जे एस में। तो जाहिर है ये ऐप का जो कंपोनेंट है ये वहाँ से एक्सपोर्ट भी होना ज़रूरी होता है, तो जाते हैं ज़रा ऐप के कंपोनेंट के अंदर, तो इन्होंने देखो ऐसे लाइन लिखी है तो एक्सपोर्ट हो गया, तो हम भी अपने जो तीनों कंपोनेंट बनाएंगे ना, क्योंकि हमें तो उस जगह पे यूज़ नहीं करना, यूज़ कहीं और करना है, तो हम उसको भी ऐसे एक्सपोर्ट करवाएंगे। तो चलते हैं एक्सपोर्ट करवाते हैं,
लॉगिन में गया और लॉगिन में जाके कंपोनेंट बनाते ही नीचे फॉरन एक्सपोर्ट, और इस दफ़ा मेरा नाम चूँकि लॉगिन है तो मैं यहाँ लॉगिन लिखूँगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या करवा दिया, इसको एक्सपोर्ट करवा दिया। अब यही चीज़ मुझे क्या करनी है, अब मुझे साइनअप पे भी करनी है। मैंने कहा कि भाई साइनअप सही हो गया, और होम पे में मुझे यही चीज़ करनी है। अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ इसलिए मैं सीधा सीधा बनाता जा रहा हूँ, ऐसा तो ज़ाहिर है प्रॉपर पेज बनेगा। तो अब मेरे पास क्या बन चुके हैं, यहाँ पे तीन अदद कंपोनेंट बन चुके हैं, इन्हीं कंपोनेंट्स में मैं काम करूँगा। और ऐप डॉट जे एस में क्या करूँगा, मैं कोई कोड नहीं लिखूँगा, जस्ट इस कंपोनेंट को मैं रेंडर करवाऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब ज़ाहिर है जब वहाँ से एक्सपोर्ट हो गया तो यहाँ पर इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट क्या करना है, सबसे पहले होम फ्रॉम स्लैश, नहीं स्लैश होम नहीं है, स्लैश कंपोनेंट है ना हमारा, तो डॉट स्लैश सी ओ एम कंपोनेंट स्लैश होम डॉट एच जे एस एक्स। ऐसे मेरे पास तीन हैं, एक का नाम है लॉगिन, एक का नाम है साइनअप, और यहाँ पे भी लॉगिन और सही है। अच्छा, साइनअप डॉट जे एस एक्स नहीं लिखना है यहाँ पे आपको, सही है, ये जे एस एक्स आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ साइनअप लिखेंगे तो काफ़ी है। तो ये तीनों कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, बनाए कहीं और यहाँ पे लाके इंपोर्ट कर लिए। अब इंपोर्ट करने के बाद यहाँ क्या करना है मुझे, अगर मुझे लॉगिन का पेज दिखाना है तो मैं लॉगिन को यहाँ क्या कर दूँगा, ऐसे रेंडर करवा दूँगा। तो ये लॉगिन का पेज क्या हो गया, स्क्रीन पर रेंडर हो गया। ये प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन, ज़ाहिर है बड़ी ऐप्स पे आपको ऑर्गेनाइजेशन पर तवज्जो देनी पड़ती है। अगर एक ही फाइल में सारा काम कर देंगे फिर वो फाइल इतनी बड़ी हो जाएगी ना कि संभाल ही नहीं जाती, इसलिए हम क्या करते हैं अपने ऐप को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पेजेस में, डिफरेंट कंपोनेंट्स में, और फिर हर पेज के अंदर भी कई कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने फेसबुक वाले टाइम पे देखा था, फेसबुक के हमने क्लोन बनाया था शायद, हमने नहीं बनाया लास्ट, जो सिंगल कंपोनेंट जब हमने बनाया था तो क्या किया था, उसको रिपीट कर रहे थे जो हम, पता नहीं यार अभी मैं भूल रहा हूँ, ये था ना हेलो वर्ल्ड में पता नहीं कुछ बनाया था हमने शायद। वेल, तो जो फेसबुक की जब आप ऐप खोलते हैं तो उसमें एक पोस्ट जो आ रही होती है वो एक्चुअली एक कंपोनेंट होता है, तो वही कंपोनेंट रिपीट हो रहा होता है एक्चुअल में, सही है ना। जैसे आपने वेदर ऐप का भी एक कार्ड बनाया है जिसपे वेदर डिस्प्ले हो रहा है, तो वही कार्ड रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि आपका जैसे होम पेज है, तो अब होम पेज पर सारी पोस्ट अगर डिस्प्ले हो रही है तो वो पोस्ट डिस्प्ले होने के लिए कंपोनेंट अलग जगह से आ रहा होता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइज हुई भी होती है हमारी ऐप। अच्छा, तो अब हमें चैट ऐप बनाने से पहले तो ये एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाता है ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम राउटिंग, सही। पहले तो इतना देख लेते हैं, देखो लॉगिन, अच्छा लॉगिन पेज मैंने डबल डबल लिखा था ना, तो वो आ भी डबल ही रहा है, उसको मैं सिंगल कर देता हूँ, अगर साइनअप पे भी सिंगल कर देता हूँ, होम पे भी सिंगल कर देता हूँ, ठीक है, वो डबल लिखा था इसलिए डबल शो हो रहा था। तो ये लॉगिन पेज मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया लिखा हुआ। अगर मैं लॉगिन नहीं लिखना चाह रहा, अगर मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ साइनअप का पेज, तो क्या होगा, साइनअप का पेज डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं कुछ नहीं डिस्प्ले करवाना चाह रहा तो ये ब्लैंक हो जाएगा। अब मसला ये है कि मुझे इस तरह तो नहीं करना, मुझे तो ये करना है कि यार ऊपर नेविगेशन बार बना हुआ आ जाए, मैं एक पे क्लिक करूँ उस पेज पे चला जाए, दूसरे पे करूँ दूसरे पेज पे चला जाए, सही है, मुझे तो इस तरह करवाना है। तो उसके लिए टेक्निक इस्तेमाल होती है राउटर्स, ठीक है। अगर मैं गूगल पे जाके लिखूँगा ना रिएक्ट राउटर, तो ये हमारे पास राउटर आ गया रिएक्ट राउटर के नाम से, ठीक है। राउटर वैसे ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, इस तरह की और भी लाइब्रेरीज हैं लेकिन ये वाली जो है सबसे ज़्यादा फेमस है इसलिए हम ये यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम चले जाते हैं भाई, ओके हाँ, राउटर कंपोनेंट जो है ना इसमें ब्राउज़र राउटर जो लिखा हुआ है हम वहाँ पे चले जाते हैं। ब्राउज़र राउटर कैसे करके इन्होंने बताया, इन्होंने बोला भाई आपको ना पहले तो करना पड़ेगा ज़ाहिर है इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल यार शुरू में कहाँ बताया इन्होंने, ट्यूटोरियल में देखते हैं यार, इंस्टॉल ही नहीं बताया, इंस्टॉल कहीं तो बताया होगा, हाँ ये रहा npm install react-router-dom, ये इसका इंस्टॉल करने का तरीका है,
अब ये डॉक्यूमेंट ना इनकी कोई बहुत अच्छी नहीं है डॉक्यूमेंटेशन, मतलब स्कैटर्ड है थोड़ी, लेकिन मैं आपको देख देख के बताऊंगा, तो आपने मेरी वीडियो को अगर आप फॉलो करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपसे शेयर हो जाती है, तो आप मेरे वाले तरीके को फॉलो करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट सही ना भी हो तो खैर है आपके लिए, सही है। तो मैंने कहा npm install react router dash dom, ये मैंने इंस्टॉल कर दिया, दैट्स इट। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अपने पास इम्पोर्ट कर सकता हूँ। अब मैं इसको इम्पोर्ट कहाँ पे करना बताया इसने, अच्छा इम्पोर्ट इसको करना है हमें index.js में, राइट, जो index.js है जहाँ पे हम खुद का कोड कोई नहीं लिखते हैं, ये अब लाइब्रेरी को देखें हम यहाँ पे लगा रहे होते हैं, सही है। तो ये ट्यूटोरियल में से जाके मैंने इसको इंस्टॉल करने की कमांड देख ली, उसके बाद मैं गया ये वाली जगह पे राउटर कंपोनेंट्स में ब्राउज़र राउटर, यहाँ पे चला गया मैं, ठीक है। ब्राउज़र राउटर पे इसने क्या बोला, ऐसे करके इम्पोर्ट करोगे आप, ठीक है, ये इम्पोर्ट कर लिया मैंने ऐसे करके। और इम्पोर्ट करने के बाद इसने क्या बोला, इसने बोला जो रेंडर है ना आपका, रेंडर में इसको इस तरह करके आप लगा दोगे और यहाँ पे आपकी क्या होगी, रेस्ट ऑफ योर ऐप गोज हियर, यानी आपका जो पूरी ऐप है ना उसके पेरेंट कंपोनेंट के तौर पे ये काम कर रहा होगा। कौन काम कर रहा होगा, ब्राउज़र राउटर। असल में ब्राउज़र राउटर इसको इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो लाइब्रेरी है ना आपको राउटिंग के, राउटिंग की आपको डिफरेंट टेक्निक्स प्रोवाइड करती है, तो हमारे केस में जो बेस्ट है हमारे लिए वो ब्राउज़र राउटर है, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करने में आसान भी है और प्रोडक्शन में जो यूज़ भी हो रहा है। एक और इन्होंने अभी नया निकाला है क्रिएट ब्राउज़र राउटर ना, तो वो अभी बिल्कुल नया है तो इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, और वो मैंने किसी को देखा भी नहीं है यूज़ करते हुए अभी तक ना, मतलब बिल्कुल ही नया पैराडाइम शिफ्ट किया, तो जो प्रोडक्शन में चल रहा है मैं फ़िलहाल आपको वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको लगा दिया, इससे ये हुआ, अच्छा इस तरह की जो चीज़ होती है ना रिएक्ट के अंदर, इसको हम कहते हैं प्रोवाइडर। ये डिफरेंट लाइब्रेरीज जब इंस्टॉल करते हैं ना तो वो कहते हैं यार प्रोवाइडर लगा दो इसका, तो इसको हम प्रोवाइडर कहते हैं। ये क्या होता है, आपके ऐप के ना टॉप पे लग जाता है और फिर पूरी ऐप में अवेलेबल हो जाता है ये। अच्छा यहाँ पे ये काम हो गया, अब आगे क्या करना है, मैं आगे मैं चला जाता हूँ अपने ऐप डॉट जे एस में। अब ऐप डॉट जे एस में यहाँ पे देख रहे हो मुझे या तो लॉगिन दिखाना है या तो साइनअप दिखाना है एक वक्त में, ठीक है, तो ये वाला काम ना ये मुझे करवा के देगा। कैसे करवा के देगा भाई, आते हैं चलते हैं आगे। हाँ ये इंडेक्स में इसलिए किया है, प्रोवाइडर है ना, ये मुझे बिल्कुल टॉप लेवल पे लगाना है इसलिए मैंने यहाँ पे किया, इसलिए मैं यहाँ पे भी कर सकता था ऐप डॉट जे एस में, मैं यहाँ पे भी आगे कर सकता था इधर डिफ से पहले, क्योंकि ऐप के टॉप पे चाहिए होता है। अगर मैं यहाँ पे करता ना तो फिर मैं ऐसे करता, फिर मैं ऐसे करता यहाँ, ठीक है, यहाँ भी मैं कर सकता था लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पे भी क्लीन रखना है तो इसलिए मैं उसको उधर ले गया। असल में ऐप डॉट जे एस और इंडेक्स डॉट जे एस वो इसी तरह की चीज़ों के लिए बनी है ना, मतलब यही इसी तरह की चीज़ें यहाँ इसमें लगेंगी। एक्चुअल जो मेरा कोड होगा ना, मेरी लॉजिक, वो तो इधर होगी कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में, सही है, मेरी लॉजिक यहाँ पे नहीं होगी इन जगहों पे। अच्छा तो अब इधर आके क्या करना है हमने, इधर आके यहाँ पे दो चीज़ है इनकी, एक है राउट्स, राउट्स क्या कर रहा है ये भाई, थोड़ा इन्होंने डॉक्यूमेंट को ज्यादा ही तोड़ मड़ोड़ दिया। ठीक है, लेकिन हम इस तोड़े मड़ोड़े में डॉक्यूमेंट्स में से अपने मतलब की चीज़ निकालेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा तो यहाँ पे भाई बोला मैंने कि सबसे पहले तो मुझे नेविगेशन बार दिखाना है, सबसे पहले तो मुझे क्या दिखाना है, नेविगेशन बार में कैसे दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ नेव, सही है। अच्छा ये क्योंकि जे एस एक्स नहीं है तो इसलिए मुझे ये सजेशन नहीं दे रहा, इसको जे एस एक्स बना देते हैं ना, सही है, अब मुझे ये सजेशन देगा, जैसे देखो अब मैं नैव लिखूंगा ना तो इस तरह बना के देगा। अच्छा नेविगेशन बार जब भी हम बनाते हैं तो उसको नैव के टैग में हम पैक करते हैं, ये क्या है, ये सिमेंटिक टैग है। सिमेंटिक टैग का मतलब ये होता है कि कोई भी क्रॉलर वगैरह अगर मेरी इस वेबसाइट पे आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये नेविगेशन बार यहाँ पर है, सही है। वैसे आप डिव भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर वो सिमेंटिक वाली चीज़ें हमें मिस हो जाती हैं।
तो नैव लिखा मैंने, उसके बाद मैं लिखता हूँ यूएल। यूएल भी क्यों लिखते हैं इसमें, यूएल भी इसी वजह से लिखते हैं कि ये सिमेंटिक टैग है। जब वो नेविगेशन बार देखेगा ना आपका सर्च इंजन, तो वो उसके अंदर देखेगा फिर लिस्ट है, लिस्ट में जितने आइटम है उसको वो काउंट कर लेगा, तो वो समझ में आ जाएगा उसको, अच्छा यार पूरे वेबसाइट में ना ये पेजेस हैं। तो इस वजह से हम यूएल करके लिख रहे होते हैं, और फिर हम लिखते हैं एलआई, यूएल के अंदर एलआई होता है। तो मैंने कहा सबसे पहले होम, फिर एक और एलआई मैंने लिखा क्या लॉगिन, और एक और एलआई लिखा मैंने, हाँ बूटस्ट्रैप वाला कोड, वो भी यही कर रहे होते हैं और क्या करेंगे। हाँ हाँ नेविगेशन बार डिस्प्ले करवाना है, वो तो आप बूटस्ट्रैप से जो बना हुआ होता है ना पूरा एग्जांपल वो उठा के लगा दें, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अभी। लेकिन हम एक चीज़ और भी पढ़ेंगे, चात्रा यूआई एक है थोड़ी बूटस्ट्रैप जैसी है लेकिन उसकी यूआई थोड़ी मॉडर्न है, तो वो भी हम थोड़ा नज़र मारने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में कि क्या चीज़ है। अच्छा तो ये मेरे पास तीन चीज़ें आ गई ना, कि अब मैं इधर क्लिक करूँ इधर क्लिक करूँ तो कुछ हो। अच्छा अब ये एल आई क्लिकेबल तो नहीं होता, उसको मुझे क्लिकेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे या तो एंकर टैग लगाना पड़ेगा या कोई ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये जो राउटर वाले हैं ना, ये इन्होंने मुझे एक चीज़ बना के दी है, दैट इज़ कॉल्ड लिंक, सही है। और लिंक के अंदर क्या बोलते हैं हम, टू, के लिंक टू किस वाले राउट पे लिंक करके लेके जाना है। तो मैंने एक पे कह दिया कि यार मुझे स्लैश पे राउट कराना है, इससे मैंने कराना है स्लैश लॉगिन पे और स्लैश साइनअप पे, ठीक है। अच्छा ये मुझे किसने बताया, ये मुझे इसी रिएक्ट राउटर वालों ने बताया, अभी वो डॉक्यूमेंट में ये पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, वेल मैं वैसे ही डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ। अच्छा फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, राइट। ये मैंने यहाँ से इंपोर्ट करके लगाया, एंकर टैग वाला काम करता है ये, लेकिन ये क्या करता है, ये पेज को रिफ्रेश नहीं होने देता। एंकर टैग भी मैं यहाँ लगा सकता था लेकिन उससे पेज रिफ्रेश होता है। एंकर टैग अगर आपने HTML के टाइम पे यूज़ किया हो तो आपने देखा होगा, जब एक क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे जब जाते हैं तो वो JavaScript पूरी रीसेट हो चुकी होती है, ठीक है। इससे वो चीज़ नहीं होती, पेज रिफ्रेश ही नहीं होता इससे। तो रेफरेंस क्या चीज़, रेफरेंस और एंकर टैग में क्या फ़र्क हुआ ये नहीं समझाना ना, रेफरेंस और एंकर टैग में क्या फ़र्क हुआ, अच्छा अब देखो क्या चीज़ें यहाँ पे, एक मैंने लिंक यहाँ से रिक्वायर किया, एक है राउट्स एक है राउट, ठीक है, एक एस वाला है एक बगैर एस वाला है, ठीक है, गौर से देखना उसको। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये नेविगेशन बार जो है ना ये तो स्टिल रहेगा, ये तो चेंज नहीं होता ना, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे नीचे ना एक ऐसी विंडो बनानी है, डिव, यहाँ इस डिव को मुझे ऐसा विंडो बनाना है एक, जहाँ पे क्या हो, जब मेरा दिल करे यहाँ लॉगिन शो हो जाए, जब मेरा दिल करे यहाँ साइनअप शो हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ होम पे क्लिक करूँ तो होम शो हो जाए, लॉगिन क्लिक करूँ तो लॉगिन शो हो जाए। तो ये स्वैपेबल होगा, मतलब ये जो डिव है ना इतना, इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट शुरू में दिखाऊंगा और वो स्वैपेबल होगा। अब वो स्वैप उसको कैसे करूंगा वो अभी आगे की बात है। तो स्वैपेबल चीज़ मुझे चाहिए, तो स्वैपेबल चीज़ जो मेरे पास क्या अवेलेबल है, दैट इज़ कॉल्ड राउट्स, ठीक है। ये राउट्स है, ये राउट्स जो है ये स्वैपेबल है, इसके अंदर जो भी चीज़ मैं लिखूंगा वो स्वैप कर रही होगी। अच्छा राउट्स के अंदर क्या होगा, राउट होगा, सही है, ईच राउट। अच्छा अब राउट को यूज़ कैसे करते हैं वो जाके मुझे देखना पड़ेगा इनके डॉक्यूमेंट में, इनके डॉक्यूमेंट में देखो दोनों बताया हुआ है इन्होंने, इन्होंने राउट्स भी बताया हुआ है और राउट भी बताया हुआ है, एस वाला और बगैर एस वाला। बगैर ये देखो, ये इन्होंने राउट यहाँ पे बताया हुआ है। अब ये देखो एक राउट मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, सही है। ये पूरा एक राउट मैंने क्या किया वहां से कॉपी करके इधर पेस्ट किया मैंने। अच्छा
अब ये पूरा एक राउंड कॉपी किया, अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चक्कर है। सबसे पहले इसका पाथ मुझे बताना है। मैंने कहा भाई ये दिखाना है आपको स्लैश के पाथ पर, जब ब्राउज़र में ऊपर स्लैश हो ना पाथ, तो आपने ये राउट डिस्प्ले करवाना है। ये राउट जब डिस्प्ले होगा तो वो कंपोनेंट कौन सा है, मतलब ये जो पेज है इसका कोई कंपोनेंट भी हमने बनाया होगा। तो इन्होंने लिखा है टीम्स, मैंने लिखा होम। मैंने कहा होम जो है ना वो इसका कंपोनेंट है, वो आपने यहाँ दिखाना है। लोडर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, एक्शन हमें कुछ भी नहीं चाहिए। एरर एलिमेंट ये होता है कि अगर मतलब ऊपर स्लैश का पाथ हो और ये कंपोनेंट ना मिल पाए तो क्या दिखाना है, ठीक है। यानी 404 का अगर कोई आपने पेज वगैरह बनाया हुआ है तो उस तरह की चीज़, तो मुझे एरर का एलिमेंट भी नहीं चाहिए फिलहाल, क्योंकि अभी तो एक दो कंपोनेंट है, इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी होगी नहीं फिलहाल। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एरर एलिमेंट में यहाँ पे एक एलिमेंट बना के पास कर सकते हैं कि जस्ट इन केस अगर ये होम मिल नहीं पाया इसको तो ये वाला दिखा देगा। हाँ एक कंपोनेंट बना दो, अब वो सब में पास करते रहो 404 वाला, बल्कि बना देते हैं, चलो यार एक हम बना देते हैं नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड के नाम से एक बना देते हैं, सही है, नॉट फाउंड फ्रॉम, सही है, नॉट फाउंड मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया। सही है, नॉट फाउंड में मैंने क्या लिख दिया भाई, जो भी इस कंपोनेंट का नाम था वही लिख देता हूँ। हाँ ये लिखा था ना मैंने नाम नॉट फाउंड, सही है, पेज नॉट फाउंड और कॉलन लगा के 404 कंपोनेंट। कुछ भी आप यहाँ बात लिख सकते हैं, जैसे गिटहब में आपने देखा होगा अगर कोई ऐसी रिपोजिटरी लिखते हैं जो होती नहीं तो वो बिल्ली बनी भी आ जाती है 404, और माउस हिलाओ तो वो बिल्ली भी साथ में हिलती है। तो इस तरह की कोई मस्ती वाली चीज़ भी आप डाल दें ताकि आपका यूज़र क्या रहे, इंटरटेन रहे आपकी ऐप से भी। नहीं ये वाला नाम ये मेन फाइल, इसकी खैर ये तो जस्ट नाम है। हाँ इम्पोर्ट करते हुए फिर यही नाम मुझे डालना होगा, ये देखो मैंने ये नाम डाला है, इम्पोर्ट करते हुए ना फिर फाइल का नाम मुझे यही डालना होगा जो मैंने वहाँ लिखा है। लेकिन ऐसे फाइल का जो नाम है ना उसमें हम स्मॉल लेटर सारा यूज़ करते हैं, ऐसे ही एक कन्वेंशन कह लो इसको। फाइल के नाम में ना हम कैपिटल स्मॉल को छेड़छाड़ नहीं करते ज़्यादा, स्मॉल रखते हैं, या सम टाइम अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है तो कैमल केस फिर हम यूज़ कर लेते हैं। बीच में एक ये भी चला हुआ था कि यार जो कंपोनेंट की फ़ाइल होगी ना उसका नाम कैपिटल से शुरू होगा, तो वैसे भी कर सकते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कंपोनेंट का नाम जो है वो कैपिटल से होना वो तो रिस्ट्रिक्शन है, तो फाइल का नाम में अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप स्मॉल लेटर से लिखो, ज़िंदगी में सुकून करो। ये अगर उसमें फिर कैमल केस या ऐसे वैसे किया ना फिर मसला होता है। अच्छा भाई तो ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने एक राउट यहाँ पे बना दिया। अब मुझे क्या करना है, ऐसे चार पांच राउट और बनाने हैं, स्लैश लॉगिन और स्लैश साइनअप। लॉगिन के वक्त कंपोनेंट कौन सा दिखाया, लॉगिन दिखा दे, और साइनअप के वक्त कंपोनेंट कौन सा दिखाया, साइनअप दिखा दे। और एरर एलिमेंट सब में मैंने सेम ही दिया हुआ है, नॉट फाउंड, ये सही है। अब ये देखो स्वैपेबल बन गया, ये ऊपर वाला पार्ट फिक्स रहेगा और ये जो राउट्स यहाँ से शुरू है ना ये इतना पार्ट जो है ये क्या है, स्वैपेबल है, डिपेंडिंग ऑन के मेरे ऊपर यूआरएल में, ये यूआरएल कैपिटल से नहीं होता, ये यूआरएल ना स्मॉल से होता है, ये मैंने गलत यहाँ पे कैपिटल लिखा है। डिपेंडिंग ऑन के मेरे पास ऊपर यूआरएल में क्या है, ये इन तीन राउट में से कोई एक दिखा रहा होगा, तीनों नहीं दिखाएगा एक वक्त में ये, ठीक है। और अगर कोई भी राउट मैच नहीं करेगा तो अभी हम ज़रा देखते हैं ना क्या हो गया, लॉगिन साइन अप होम, लॉगिन साइन अप होम, इतना अभी बन जाएगा तुम लोगों से। ये मैं कोड पुश कर रहा हूँ, इतना बनाओ, थोड़ा भी मेरे ख्याल है नमाज का भी टाइम होने वाला है, इतना बनाओ फिर नमाज़ पढ़ के हम आते हैं फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।